थोड़ा सा वेट करते हैं और क्या करना है आपको ये भी बताऊंगा। तो प्रोसेस को आपको स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन फायर टीवी लिखा हुआ आ गया, ये जो इसका सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल है अमेजोन फायर टीवी का है, और इसी प्रकार से आप भी रीसेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। बस रीसेट पे क्लिक करना है, बाकी आपको खुद ब खुद होता रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर आगे भी बताऊँगा क्या प्रोसेस करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं लाइटिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोड हो रहा है ऐप्स वगैरह, फायर टीवी वापस से आ गया है। ये जितने भी ऐप्स है जो कि लोडिंग कर रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये इंडिया इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप चाहे तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करें। और आप रिमोट से भी कर सकते हैं, रिमोट से करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। आपको रिमोट से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोड पिक्चर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेंगे, तो सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा वाईफाई का, तो आप देख सकते हैं वाईफाई का मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो कि है लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से चेकिंग अपडेट और डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर होना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही देर में आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है फिनिशिंग अपडेट, फायर टीवी फिनिशिंग अपडेट लिखा हुआ आ गया है, आप देख सकते हो। तो जल्दी ही अब ये सारे ऐप्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, या फिर स्कैन करके आप साइन इन भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्कैन करके एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ वापस से आपको इस पर जाना है, दूसरा स्टेप्स बताया मैंने आपको, इसको स्कैन करना है और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली आपका कंटिन्यू हो चुका होगा यहाँ से, और वहाँ भी आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो चुके हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो रिमोट की मदद से आप इसको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करें, यस को सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप अकाउंट को सिलेक्ट भी कर सकते हो, रीस्टोर भी कर सकते हो, जो भी ऐप्स वगैरह था वो आपका रीस्टोर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ये दिखा रहा है, गेट स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी ऐप्स नहीं चाहिए वो आप नहीं ले सकते हैं, और बैक भी कर सकते हो, नो थैंक्स कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे सेट इनेबल डेटा रिमाइंडिंग, और यहाँ पे नीचे सेटअप लेटर पे क्लिक भी कर सकते हो, और नो कंट्रोल पे सेलेक्ट करें, ओके करें, इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन वीडियो आपको सक्सेसफुली बन गया है, और ये हमारा वो पुराने वाली आईडी ऑटोमेटिकली आ चुका है, और यहाँ से जो भी आईडी थी वो आपको लॉगिन देखने को मिल जाएगा।